गाइस वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स मैं हूं प्रशांत धवन और बिल्कुल मेरी सारी वीडियोस आपको मिलेगी ऑन वर्ल्ड अफेयर्स सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल नाउ 2020 में नागोर्नो कराबा रीजन पर एजरबाइजा और अर्मीना की वॉर खत्म हो चुकी है यह पूरी वॉर चली थी एक महीने दो हफ्ते तक और इसका रिजल्ट है डिसाइसिव एजरबाइजानी विक्ट्री एजरबाइजा ने यहाँ पर पाँच शहर चार टाउन्स और करीब 240 फोर्टी विलेजेस कैप्चर कर लिए हैं बहुत सा एरिया नागोरनो काराबा का जो काफी हद तक अर्मीनिया के इन्फ्लुएंस में था आज के समय आ चुका है एजरबाइजा के पास और एक तरफ हम देख रहे हैं कि इस विक्ट्री के बाद एजरबाइजा में लोग जश्न मना रहे हैं वीरेस अर्मीनिया में लोग बेटर हैं लोग काफ़ी सैड फील कर रहे हैं और अपनी सरकार की आलोचना कर रहे हैं कि आपने सीज फायर की बात क्यों करी आपने पीस डील साइन क्यों करी हमारी जो कुर्बानियाँ थी कई लोग यहाँ पे मारे गए वो सब वेस्ट चला गया यहाँ पे आप देखेंगे आर्टिकल है द वॉशिंगटन पोस्ट का सीज फायर इन नागोर्नो काराबा प्रोवोक्स प्रोटेस्ट इन आर्मेनिया सेलिब्रेशन इन एजरबाइजा और सेक्रीफा की अगर मैं बात करूं तो आर्मेनिया के बहुत सारे सोल्जर्स यहां पे मारे गए हैं टोटल 2317 सर्विसमैन आर्मेनिया ने खुद क्लेम किया कि तो मरे ही हैं उसके अलावा एजरबाइजा की सरकार ने क्लेम किया है कि इन्होंने आर्मेनिया के 250 टैंक्स आर्मर्ड व्हीकल्स 150 अदर मिलिट्री व्हीकल्स और कमांड ऑब्जर्वेशन पोस्ट दो आर्टिलरी यूनिट्स साठ एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम्स और इवन चार एस थ्री हंड्रेड को इन्होंने डिस्ट्रॉय किया है इनका ये क्लेम है कि इन्होंने चार एस थ्री हंड्रेड जो रशियन मेड एस थ्री हंड्रेड है इसको भी इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया ना ये कितना सच है कितना नहीं है उस पर मैं कॉमेंट करूंगा नहीं बस मैं आपको बता रहा हूँ कि एजरबाइजा की सरकार ने यह क्लेम किया है और जो भी डैमेज यहाँ पे मैं चाहे एस थ्री हंड्रेड का हो या फिर कमांडिंग पोस्ट का हो ये सब एजरबाइजा कर पाया है टर्किश ड्रोन के साथ आज के समय आप अगर देखें तो दुनिया भर के मिलिट्री सर्कल्स में एक ही बात चल रही है कि टर्की के ड्रोन काफी इफेक्टिव हैं, कॉस्ट एफिशिएंट हैं और रिसेंटली वॉर में इन्होंने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है सो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में टर्किश ड्रोन आज के समय डेंजर क्यों है और so, know, always, begin, आप किसी भी एग्जाम की आप प्रेपरेशन कर रहे हैं गो टू एन अकेडमी वहां पर अपना एग्जाम चूज करिए क्लिक ऑन गेट सब्सक्रिप्शन और आप यूज कर सकते हैं कोड पीडी टेन और आपको मिलेगा सीधा टेन परसेंट का डिस्काउंट यहाँ पे आप देखेंगे कोड यूज करने से पहले प्राइस क्या होगा और कोड यूज करने के बाद डिस्काउंटेड प्राइस आपको क्या मिलेगा और बाय द वे जो पर पेमेंट मेथड है यहाँ पर यूपीआई वॉलेट नेट बैंकिंग कार्ड्स यू कैन इवन पे इन पार्ट पेमेंट आप वेरियस फॉर्म में कर सकते हैं ऑनअर अकेडमी ऐप या वेबसाइट और सेंस यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अर्मेनिया की तो एक क्वेश्चन मैं आपसे जरूर पूछूंगा अबाउट अर्मेनिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ अर्मेनिया बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है काफी बार लोग लाइक करते हैं बीस हजार पच्चीस हजार व्यूज भी मैं देखता हूं तीन लाख ढाई लाख के आसपास पहुंच जाते हैं मगर कमेंट्स दो हजार तीन हजार के आसपास सो पार्टिसिपेट करिए मुझे भी अच्छा लगता है मैं भी आपसे और क्वेश्चन पूछूंगा सो डू आंसर द क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन बिलो इसका सही आंसर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा वीडियो के एंड में नाव अगर हम बात करें मिलिट्री ड्रोन की तो प्राइमरी दो टाइप के ड्रोन होते हैं एक तो स्पाइंग पर्पज के लिए और दूसरे होते हैं अनमैंड कॉम्बैट एरियल व्हीकल अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल वो ड्रोन्स होते हैं जो अटैक भी कर सकते हैं और आज के समय मॉडर्न वॉरफेयर को कम्पलीटली चेंज कर दिया है इन अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स ने ऑलमोस्ट दुनिया की जो भी मेजर मिलिट्री पावर है आज के समय ऐसे ड्रोन्स कमांड करती है और इसमें आपको फायदा ये है कि आप बिना ह्यूमन लाइफ को डेंजर में डालकर एनिमी टेरिटरी में अटैक कर सकते हैं और रिसेंटली देखा गया है सीरिया में और अब रिसेंटली एजरबाइजा और अर्मीनिया की वॉर में कि ये बहुत इफेक्टिव होते हैं और आपको अगर, को सेफ कर, दुश्मन का जो है, अगर उनके पास एस थ्री हंड्रेड है या फिर गुड तो ऑप्शन सामने आता है कि क्या इंडिया के पास ये अनमैन कॉम्बैट एरियल व्हीकल है अनफॉर्चुनेटली हम लोग अभी तक इसको डेवलप नहीं कर पाए एक प्रोजेक्ट है जिसपे हम काम कर रहे हैं ये है डी का घातक इससे काफी उम्मीदें हैं कि डी घातक तैयार हो जाएगा दो के आसपास हो सकता है कि 25 के आसपास तैयार हो और ये होगा एक अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल इंडिया को इसकी काफी नीड है क्योंकि एक बार जब आप इस टाइप के जो ड्रोन्स हैं खुद डेवलप करना स्टार्ट कर देते हैं तो इन्हें आप बहुत ही बड़ी संख्या में मैन्युफैक्चर कर सकते हैं फॉर योर एयरफोर्स एंड आर्मी और इंटरनेशनली अगर हम देखें तो प्राइमरली यूएस और चाइनीज ड्रोन आपको देखेंगे अमेरिकन ड्रोन काफी फेमस हैं जैसे कि एम क्यू वन प्रेडिटर एम क्यू वन सी ग्रे ईगल एम क्यू नाइन रीपर इंडिया ने रिसेंटली एक बात शुरू करी है एक डील की जहां पर इंडिया परचेज करेगा यूएसएम रीपर ड्रोन उसके अलावा चाइना के पास भी आज के समय काफी कॉम्बैट ड्रोन हैं जैसे कि सी ए एस सी सी एच फाइव और इन सब ड्रोन में से आज के समय जो ड्रोन सबसे ज्यादा न्यूज में है ये है टर्की का बायर अख्तर टी बी टू इसके बारे में रिसेंटली द डिप्लोमैट में एक आर्टिकल भी आया है इंडिया के ड्रोन ड्रीम्स और रियलिटी क्या है जिस तरीके से अर्मेनिया एजरबाइजा कॉन्फ्लिक्ट में ड्रोन्स ने पूरी वॉरफेयर को चेंज कर दिया था इससे अब इंडिया के सामने क्वेश्चन फिर से आ गया है कि हमारे पास जो कॉम्बैट ड्रोन्स की कमी है क्या इन द फ्यूचर यह कॉस्टली साबित हो सकती है या नहीं और अगर हम बात करें बाइटर टी बी टू की वायदा बे टी बी टू की जो फुल फॉर्म है ये है टैक्टिक ब्लॉक टू ये टर्की का इंडिजिनसली बिल्ड एक ड्रोन है इसकी देखिए खासियत यह है बहुत सस्ता है और काफी ये लाइट वेट है और इसको आप एक्यूप कर सकते हैं लॉन्ग रेंज मिसाइल से इस ड्रोन की कॉस्ट है मात्र फाइव मिलियन डॉलर जो काफी हद तक सस्ती है कंपेयर टू अमेरिकन और चाइनीज ड्रोन और अगर हम बात करें वेट की तो जो यूएस का रिपर ड्रोन है जो इंडिया परचेस करेगा उससे वेट में ये वन एट है तो मतलब कि बहुत ही लाइट वेट सिंपल टेक्नोलॉजी का ड्रोन है ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इन्होंने कुछ नहीं बनाया यहाँ पे ड्रोन काफी हद तक सिंपल है मगर जो मिसाइल वहां पे इन्होंने लैस किया है दैट इज क्वाइट इफेक्टिव टर्की काफी बार क्लेम कर चुका है कि ये ड्रोन कैरी कर सकता है फोर एम ए एम टर्किश फॉर स्मार्ट माइक्रो म्यूनिशन लेजर गाइडेड मिसाइल और उसके अलावा ये कैरी कर सकता है यू एम टी ए एस मिसाइल ये एक लॉन्ग रेंज एयर टू सरफेस मिसाइल है जो प्राइमरली यूज किया जाता है फॉर एंटी टैंक अटैक्स यहाँ पे आप देखेंगे यह है फोटो इसकी और एक और इम्प्रेसिव बात इस ड्रोन की यह है कि सिंस यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी यूज करी गई है काफी बेसिक है काफी सिंपल है तो ऐजरबाजा की मिलिट्री ने बहुत ही जल्दी इसको यूज करना स्टार्ट कर दिया आप जान के हैरान होंगे कि ऐजरबाजा के डिफेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया था कि जून 2020 में ये टर्किश ड्रोन परचेज करेंगे और कुछ ही महीने में इसकी डिलीवरी हो जाती है और विद इन फ्यू मंथ्स ये एक बहुत ही बड़ी वॉर में यूज करते हैं और सबसे बड़ी बात यहाँ पर एस थ्री हंड्रेड जिसका सक्सेसर है एस फोर हंड्रेड उसको भी इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया था ड्रोन के मिसाइल से नाउ इस ड्रोन के इम्प्लीकेशन क्या है फॉर इंडिया बहुत ज्यादा बड़े इम्प्लीकेशन है जिस तरीके से टर्की ने बहुत ही इजिली इसको एक्सपोर्ट किया टू एजरवाइजा प्रोबेबिलिटी काफी हाई है कि टर्की इन द फ्यूचर ये ड्रोन एक्सपोर्ट करेगा टू पाकिस्तान टर्की ऑलरेडी पाकिस्तान को अटैक हेलीकॉप्टर इनकी नेवी के लिए शिप बिल्डिंग कर रहा है और वेरियस और तरीके से ये लोग पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे हैं आज के समय और रिसेंटली मीडिया में रिपोर्ट्स भी आई है कि आज के समय पाकिस्तान इज वेरी इंटरेस्टेड इन टर्किश ड्रोन सेंस इनका रेट बहुत ज्यादा कम है ये बहुत सारे ड्रोन परचेज कर सकते हैं और बहुत से ड्रोन होने का फायदा यह है कि जो भी आपका एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम है वो सारे ड्रोन को शूट डाउन नहीं कर पाएगा अगर एक ड्रोन भी यहाँ पे बच गया और उसने एंटी एयरक्राफ्ट की तरफ एक मिसाइल दाग दिया सो दैट इज इनफ वहां पे जो एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा और एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम को बनाने में लगते हैं मिलियंस ऑफ डॉलर्स, पचास साठ मिलियन से भी महंगा होता है एक सिस्टम और वो भी जब एक कंट्री उसको खुद बिल्ड करे तो उसे अगर डिस्ट्रॉय कर सकता है एक फाइव मिलियन डॉलर का ड्रोन तो ऑब्वियसली यहाँ पे जिसने अटैक किया है दैट कंट्री इज एट एडवांटेज तो इंडिया को यहां पर जेनअली सोचना होगा कि यू एस से जो हम ड्रोन्स परचेज़ कर रहे हैं पहली बात तो उनकी क्वांटिटी काफ़ी कम होगी क्योंकि उनका जो यूज़ है वो काफ़ी डिफरेंट है इंडिया प्राइमरली उन ड्रोन्स को यूज़ करेगा नियर द हिमालयाज या हो सकता है कि इंडियन ओशन के आसपास जो पाकिस्तान के साथ हमारी जो बॉर्डर है वहाँ पे काफ़ी हद तक फ्लैट लैंड है तो वहाँ पे हमको ऐसे ड्रोन्स चाहिए जो काफ़ी हद तक सस्ते हो और बहुत ही बड़ी संख्या में अवेलेबल हों ऐसे प्रोजेक्ट पे इंडिया या तो काम कर सकता है इसराइल के साथ या फिर इवन फ्रांस के साथ इसराइल इसमें पर्टिकुलरली काफी अच्छा ऑप्शन है क्योंकि उन्होंने इस टाइप के ड्रोन्स काफी बना भी रखे हैं और दोनों कंट्रीज मेक इन इंडिया डिफेंस इनिशिएटिव के अंडर इस टाइप के जो बहुत ही सिंपल ड्रोन्स होते हैं ये इंडिया में मैनुफैक्चर कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म यूज तो चलिए वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ आर्मेनिया तो यहाँ पर जो सही आंसर है ये बेलग्रेड बिल्कुल भी नहीं है सही आंसर है यहाँ पर सी आपको थोड़ा समझा देता हूँ यहाँ पे मैं बेलग्रेड कैपिटल है सर्बिया की प्राग कैपिटल है चेक रिपब्लिक की और सोफिया राजधानी है बल्गेरिया की आप अगर यहाँ पे मैप पे देखेंगे ये आपको दिख रहा है यहाँ पे ब्लैक सी है और राइट ये यहाँ पे है टर्की ये है आर्मेनिया इसकी कैपिटल हो गई येरेवान और फिर यहाँ पे आपको दिखेगा बल्गेरिया बल्गेरिया की राजधानी है सोफिया फिर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये है चेक रिपब्लिक और इसकी राजधानी है प्राग और फाइनली यहाँ पर है सर्बिया और इसकी राजधानी है बेलग्रेड तो ये पूरा रीजन ही काफी तक न्यूज में है एजरबाइजा की जो कैपिटल है ये भी आपको बतानी चाहिए इस देश की कैपिटल है बाकू और एग्जाम परस्पेक्टिव से ये भी याद रखना कि एजरबाइजा का एक कोस्टल एरिया है कैस्पियन सी ना कि आर्मेनिया का सो इसी नोट पे वीडियो करते हैं खत्म थैंक यू फॉर लिसनिंग एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल